अर्ज क्या है कि जिस सरकशी में सारी जवानी गुजार दी, जिस सरकशी में सारी जवानी गुजार दी, ऐसे हवस की दिल से जुस्तजू निकाल दे। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जो है मैं अभी कॉलेज में हूँ और हमारा एक प्रोग्राम है, वर्कशॉप है 5 दिन के लिए। तो आज पहला दिन है उसका और मेरी प्रेजेंटेशन भी आज ही है, साथ साथ नाउ और क्लासमेट्स को भी प्रेजेंटेशन है। तो चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। ये देखें ये क्या कर रहे हैं। आज भाई क्या प्रिपेयर चुका है? वाला स्ट्रेस से ज्यादा पंद्रह मिनट नोड़ घंटे नीचे गो खा दो। देखा आपने बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है बच्चों को। देखते हैं आप क्या होता है अंदर। तो हम जो हैं दर बदर फिर रहे हैं अभी। एक्चुअल टाइम जो था हमारा वो 10 बजे था, लेकिन 10 बजे अभी जो है 11 भी बज गए, लेकिन अभी भी प्रोग्राम जो है स्टार्ट नहीं हुआ। तो क्या करें, 10 बजे बुलाते हैं फिर 11:30 स्टार्ट होता है हर टाइम। ये आज की बात नहीं है, हमेशा ऐसा होता आ रहा है। ये सुहेल साहब हैं, ये हमारे कॉलेज के, पूरे कॉलेज के आप कह सकते हैं गालिब है, क्योंकि ये खुद भी लिखते हैं। उन्होंने बहुत सारी जो है गज़लें नज़में बहुत सारी लिखी है, अपने अशार बहुत सारे लिखे हैं इसने, और ये उन्हीं में से कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे। जी सुहेल साहब आप बताएं। जी मैं शुरू करना चाहूँगा अपनी एक गज़ल से। जी मुझे अपने लिखे ज़्यादातर याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। लेकिन आप बढ़िया लिखते हैं। जी बताएं आप, कोई बात नहीं। मेरे बदन से खौफ ज़दा खून निकाल दे, मेरे बदन से खौफ ज़दा खून निकाल दे, नफस नफस से सबकी आरज़ू निकाल दे। अर्ज़ क्या है कि जिस सरकशी में सारी जवानी गुजार दी, जिस सरकशी में सारी जवानी गुजार दी, ऐसे हवस की दिल से जुस्तजू निकाल दे। वाह 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 क्या बात है। हम हंस के ना मर जाए जो मेरी ये रूह, हम हंस के ना मर जाए जो मेरी ये रूह, छुप के कहीं से आके अगर तू निकाल दे, और कोई दवा ना दे तो फकत इतना कर तबीब, कोई दवा ना दे तो फकत इतना कर तबीब, मेरे बदन से ये शिकस्ता खून निकाल दे। और अर्ज क्या है कि नासाजियों की अपनी शहर में है चर्चा, नासाजियों की अपनी शहर में है चर्चा, हम कैसे खिड़कियों से अपना मुंह निकाल दे, और मुझसे जो हो तुम वाकिफ तो इस सुखन से ज़रा, मुझसे जो हो तुम वाकिफ तो इस सुखन से ज़रा, मुझे ऐसा कोई शख्स हू बहू निकाल दे। और आखिर पर मेरे मक्ता में अर्ज़ है कि कोशिश तो कर ज़रा सी बस पास है साहिल, कोशिश तो कर ज़रा सी बस पास है साहिल, या कम से कम पानी से ये बाजू निकाल दे। वाह क्या बात है साहिल। तो आपने सुना होगा, तो आपने सुना होगा कितने प्यारे प्यारे अशार और कितनी गहराई से साहिल साहब लिखते हैं। तो इसी तरह साहिल साहब आप काम करते रहे और हमारा नाम भी रोशन करें, अपना नाम भी रोशन करें। आप तो हैं ही खैर यूट्यूब पे। ठीक है भाई साहब, साहिल साहब बहुत शुक्रिया। बहुत टाइम बाद अर्शद साहब मेरे साथ हैं। हम घर गए थे, तो आज बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। सो इसको, लेकिन ये मेरे साथ आजकल नहीं रहना, पता नहीं इसको क्या हो गया। और देखो देखो क्यों चुका है, देखो 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 क्या कटिंग की है। वाह 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 क्या क्या एग्जाम के बाद एग्जाम के बाद कटिंग की है। उमर फयाज तो सुसन पॉइंट पाक है। Consumption or lack of good body protein which distinguishes it from the marasmus, and at the end it is marasmic avascular both calorie as well as protein energy molecules. Guys, अभी पहले हम चाय पियेंगे उसके बाद मिलते हैं। भाई चाय पी रहा है, लेकिन
यासिर भाई कितना हमने कंट्रीब्यूट किया इस चाय के लिए? अभी इतना कुछ नहीं किया है, कंट्रीब्यूट सारा। अरे क्या, हमने तो 100-100 रुपए कंट्रीब्यूट किया और ये वीक है, 100-100 रुपया। पहले हमने तो अभी 100 रुपये कंट्रीब्यूट किया है, 5 दिन ये चलने वाला है और 5 चाय हमको मिलेगी 100 रुपये में। यहाँ पे ऐसा ही होता है, हमें खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ता है तब जाके हमें चाय मिलती है। और आज तो उन्होंने ज़्यादा ही कंजूसी की, खाली ये चाय रोटी के नाम पे बिल्कुल भी घंटा नहीं मिल रहा, रोटी भी नहीं मिली आज तो ज्यादा ही कंजूसी उन्होंने की, खाली ये चाय दे रहे हैं। और ये भी शुगर फ्री रहते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद, कहते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा रहता है। अरे भाई, हम कहाँ डायबिटिक पेशेंट है, हमें तो अच्छी खासी चाय पिलाओ। सुबह से हमने 2 रूम बदल दिए बिकॉज अब प्रोजेक्टर काम ही नहीं कर रहा है, अब अभी भी दूसरे रूम में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो हेलो ब्रो, व्हाट्सअप कर रहा है, तुम क्या छुपे छुपे आ रहे हैं? छुपे छुपे आ रहे हैं, कम हो जाएंगे थोड़े। मेरी तरफ से, आसिफ की तरफ से देखें मुझे क्या मिला, लेकिन ये फिर से वापसी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मारेंगे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। भाई कहाँ था इतने दिन? मैं घर में ही था, 2-3 शादियाँ की फ्रेंड्स की। ओह, इसने शादियाँ की फ्रेंड्स की लेकिन खुद की शादी नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैं बैचलर। दीज आर हेमरेजिक कंडीशन इन्वॉल्विंग सिकिन म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड इंटरोफोर्गन्स। इसमें जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा होता है, इसमें सिकिन म्यूकस मेम्ब्रेन्स और इंटरोफोर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनपे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं जिसकी वजह से उनका नंबर डिक्रीज होता है। तो जी फाइनली हमारी प्रेजेंट हो गई, अब अर्शीद और उमर की अभी रह रही है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था, तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।